लगता कि हमारे एलजी साहब या बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना दम है, लेकिन अब एलजी साहब के पास इतना दम तो है नहीं कि वो इस पर कुछ कार्रवाई। उन्होंने एक कमेटी बनाई, नाम की कमेटी बनाई, जिसमें आरके गोयल लास्ट सेक्रेटरी और एक जेडी का ऑफिसर था। तीन मेंबरों की कमेटी बनाई उन्होंने, एक महीने का टाइम दिया, 5 महीने हो गए, कमेटी पता ही नहीं कर भी रही है, कुछ नहीं कर रही। हम 3 बार हम आर के गोयल साहब से मिले, गोयल साहब कह रहे हैं हम जी कर रहे हैं स्लो प्रोसेस। कितना स्लो प्रोसेस है मुझे बताओ, हमारी तो लाइफ आधी इन्होंने वेस्ट कर दी। 10 साल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी दर्श को। बात करें जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरन एमरजेंसी स्कैम को लेकर लगातार कई सारी चर्चाएं हो रही हैं और काफ़ी समय से लगातार जो एस्पायरेंट्स हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक रिस्पांस नज़र आना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं आ रहा। फिलहाल बात करें फॉरन एमरजेंसी एस्पायरेंट हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनिल जी हमारे साथ हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, कमेटीज़ भी बनाई गई और काफ़ी सारी चीज़ें चली, अभी तक इसका कुछ वो जो है एक रिज़ल्ट आना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं आया, कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। रिजल्ट नज़र आने के लिए ना बंदों के पास वो जिगरा होना चाहिए, रिजल्ट दम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे एलजी साहब या बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतना दम है कि वो अपने ही ब्यूरोक्रेट्सों के खिलाफ बोल सके। ये जो सारा है ना ब्यूरोक्रेट्सों का किया जा रहा है, जो 20 स्कैम हुआ है 2020 में, ये सारा का सारा जो है उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्सों ने किया है। लेकिन अब एलजी साहब के पास इतना दम तो है नहीं कि वो इस पर कुछ कार्रवाई। उन्होंने एक कमेटी बनाई, नाम की कमेटी बनाई, जिसमें आरके गोयल लास्ट सेक्रेटरी और एक जेडी का ऑफिसर था। 3 मेंबरों की कमेटी बनाई उन्होंने कि जा इस पर जी इन्वेस्टमेंट करोगी आप, 1 महीने का टाइम दिया, 5 महीने हो गए, कमेटी पता ही नहीं कर भी रही है, कुछ नहीं कर रही। हम 3 बार हम आरके गोयल साहब से मिले, गोयल साहब कह रहे हैं हम जी कर रहे हैं स्लो प्रोसेस। कितना स्लो प्रोसेस है मुझे बताओ, हमारी तो लाइफ आधी इन्होंने वेस्ट कर दी 10 साल जिंदगी के। अब हम साल के लगभग होने वाला है, अब तो हम एवरेज हो गए हैं 32, अब कब करेंगे वो हमारे साथ जस्टिस? जस्टिस क्या होता है? जस्टिस तो इन्होंने जस्टिस के नाम पर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इन्होंने हमारे मतलब पीठ पे छुरा भोंका डिपार्टमेंट ने और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी साहब ने। ये पूरा खुला स्कीम था, 95% काम हमने करके दिया था, हमने ब्लड रिलेशन दिखाया था, हमने ट्रांजेक्शन दिखाई थी, हमने बंदा फ्रेंड ऑफ मीडिया पे आके बोला था कि मैंने पेपर खरीदा फलानी जगह, लेकिन तब भी एलजी साहब मानने को लिए तैयार नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ़ है, एक एलजी साहब और बीजेपी समझदार बनी बैठी है, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं क्या? हम तो बता रहे हैं इसमें। और उस टाइम जब ये स्कैम हुआ था 2020 में, तब तो बीजेपी के हर लीडर ने एडमिट किया था कि इसमें स्कैम हुआ है, इसको जी 317 टिकट करने के बाद पहली बार इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इसको सामने लाना चाहिए। क्यों नहीं ला रहे सामने, किसका डर है बताओ ना आप ही? हम ये बार बार पूछना चाहते हैं, हमने कम से कम 2000 प्रोटेस्ट इस पर किए, 2000 अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में गए, चाहे जम्मू में गए, श्रीनगर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में गए, हम बार बार एलजी साहब से कह रहे हैं कि इस पर आप प्लीज़ इसको बाहर लाइए, स्कीम को बाहर लाइए। इसमें जो भी लड़के हैं वो मेन स्ट्रीम वाले, कोई अलग विचारधारा से नहीं है, कोई अलग तंजीम से नहीं है, कोई मिलिटेंट नहीं है, कोई हुरत का नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि एलजी साहब कहीं ना कहीं बाहर से हैं, इसलिए वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, अब देखो ना एलजी साहब का होना ना, उसको इधर की डोगरी आती है ना कश्मीरी आती है ना, उसको ज्योग्राफिकली एरिया का पता है ना, उसके लोगों को पता है। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर लाया है इन्होंने बाहर से, अब उसको पता भाषा ही नहीं समझ आती है, उसको ज्योग्राफिकली नहीं पता है। अब मुझे बताओ, आप ही बताओ, जम्मू का होता शायद बेहतर होता, अब एलजी को पता है मैंने इधर से इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने इधर से वोट नहीं लेने, अब वो क्यों करेगा काम? उसको उसको तो मतलब एज ए सिलेक्टेड है ना, वो इलेक्टेड थोड़ा ना है, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने कोई रेड कारपेट बिछा के थोड़ा ना बुलाया एलजी साहब को कि आप आए हमारे इधर राज कीजिए। अब उनको भेजा है, उनकी लीडरशिप ने भेजा है, बीजेपी के बंद बीजेपी ने उसको भेजा है, अब बीजेपी की ही बात नहीं सुन रहा है वो। मुझे बताओ, अगर बीजेपी के स्टेट के लीडर रविंदर रैना, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, इवन कि सब ने बोला कि इसमें स्कैम है, सब ने मतलब मीडिया पे आके बोला, क्या वो झूठ बोल रहे हैं फिर कि हम नहीं सुन रहे बीजेपी की बात? नहीं एलजी सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है? ये इससे ये हो रहा है कि एलजी साहब को पता है मैंने इधर से कुछ नहीं करना है, मैंने इधर इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैंने इधर हूँ ही नहीं, मैं तो सिलेक्टेड बंदा हूँ, हफ्ते के लिए हूँ, महीने के लिए हूँ, साल के लिए हूँ, उसके बाद तो मैंने जाना यूपी है। तो यही बात है, अगर जम्मू का होता तो शायद इससे बेहतर होता। तभी क्या मैसेज आप देना चाहोगे तमाम एस्पायरेंट्स को या युवा को? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारा मतलब मसला एक हफ्ते तक हल नहीं हुआ, तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से एलजी साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट बड़े सीरियस होंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज करेंगे, और फिर जिस जो भी इसमें होगा कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार एलजी और एडमिनिस्ट्रेशन है। शुक्रिया। तो लगातार जेके फॉरन एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है, जो एस्पायरेंट्स है, लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी अनिल जी हमारे साथ, इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हफ्ते के अंदर इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जो कमेटी बनाई गई है उनकी रिपोर्ट अगर सामने नहीं आती है तो दोबारा से जो है तमाम एस्पायरेंट जो है वो सड़कों पर नजर आएंगे और एक और बड़ा प्रदर्शन जो है
वो किया जाएगा, और इसमें जो भी कहीं ना कहीं कुछ भी अगर होता है तो वो उसकी जिम्मेदार जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में एलजी साहब जो बाहर से हैं वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को नहीं समझ पा रहे? क्या वे नहीं समझ पा रहे कि जम्मू कश्मीर के युवा जो है उनकी नीड क्या है? क्या ये सही है? आप अपनी राय जो है कमेंट सेशन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।